Assalamualaikum guys, ये है सोक वैली खरदू। वैसे तो मैंने ड्रोन की एक ज़बरदस्ती वीडियो यहाँ की बना ली है और अंडर वाटर भी बना ली है, तो लेट्स इन्जॉय करें और इस खूबसूरती को इन्जॉय करें। सोक वैली गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्कर्दू में वाक़िया है। ये लोअर कचूरा लेक के बलाई इलाके में वाक़िया है। बुलंदोबाला पहाड़ों और सरसब्ज इलाकों से घिरी ये वादी अपनी कुदरती खूबसूरती और पुरसकून माहौल के लिए मशहूर है। इस वादी में बहने वाली नदी जिसे सोक नाला कहते हैं एक खूबसूरत मंजर पेश करती है। ये नदी दरियाए सिंध के बाएं जानिब से निकलने वाली एक मावन नदी है और ज़ेर ज़मीन पाइपलाइनों के ज़रिए लोअर कचीरा झील को पानी फराहम करती है। यहाँ आप कैंपिंग कर सकते हैं और वादी की पुरसकूनी को एंजॉय कर सकते हैं। आप हाइकिंग और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और आसपास के पहाड़ों के दिलकश मनाजिर से लुत्फ उठा सकते हैं। सोक वैली रात को बॉनफायर के साथ चमकते सितारों को देखने के लिए एक बेहतरीन मुकाम है। Sok Valley, Skardu. Sok Valley तक जाने के लिए सबसे पहले आपको स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान आना पड़ेगा। वीवर्स, स्कर्दू से सोक वैली के रास्ते की वीडियो आपके लिए बनाई है, आप खुद देख लें और फिर फैसला करें कि यहाँ अपनी गाड़ी में आना चाहिए कि नहीं।
अस्सलामुअलैकुम गाइस, हम सोक वैली पे अभी पहुँचे हैं और इस गाड़ी में हम पहुँचे हैं अभी, क्योंकि अपनी गाड़ी जा नहीं सकती यहाँ पे। रोड आप देख चुके हैं कि किस तरह का रोड है। तो कुछ लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी में भी आते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी मत लेके आइएगा, क्योंकि बाद में या तो बम्पर उसका लगना है और या फिर इतना काम निकाल देना है कि आपके लिए इशू बनेगा। तो बेहतर ये है कि आप अपनी गाड़ी के बजाय रेंट कर लें, कोई राउंड अबाउट 2000 में, 1500 से लेके 2000 में आप सोक वैली तक आ सकते हैं।